मिरर से ट्वेल्व सेंटीमीटर so, के डिस्टेंस पे नीडल को प्लेस किया सो क्या आएगा सेंटीमीटर और साइन देखो मिरर के लेफ्ट साइड जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारे डिस्टेंस होंगे नेगेटिव और जो राइट right साइड के डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव तो यहाँ यू आ जाएगा माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर नाउ ऑल्सो फोकल लेंथ गिवन है फिफ्टीन सेंटीमीटर सो फोकल लेंथ गिवन है प्लस फिफ्टीन सेंटीमीटर केस ऑफ कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव नाउ हमें कैलकुलेट करना है लोकेशन ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन अब हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग मिरर्स फार्मूला मिरर्स फार्मूला फार्मूला क्या होता है वन बाय वी प्लस वन बायू इजिकल टू वन बाय एफ तो यहाँ से वन बाय वी आ जाएगा वन बाय एफ माइनस वन बाय इज इक्वल टू वन बाय फिफ्टीन माइनस ऑफ़ वन बाय साइन लेना मत भूलना साइन इज माइनस ट्वेल्व तो यहाँ से आ जाएगा वन बाय वी इज़ इक्वल टू वन बाय फिफ्टीन प्लस वन बाय ट्वेल्व तो यहाँ से एल सी आ जाएगा सिक्सटी फिफ्टीन फोर सा ट्वेल्व फाइव सा सो वन बाय वी इज इक्वल टू नाइन बाय सिक्सटी और वी कैल्कुलेट करेंगे वी इजल टू सिक्सटी डिवाइड बाई नाइन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स 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 ऐसे कुछ आएगा तो नियरली इसको हम ले सकते हैं सिक्स पॉइंट सेवन सेंटीमीटर तो हमारी इमेज का डिस्टेंस आ गया इसको यहाँ लिख लेंगे v इज इक्ल टू सिक्स पॉइंट सेवन सेंटीमीटर तो अब यहाँ देखो v हमारा आ रहा है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव साइड होगी मिरर की राइट साइड तो मिरर की राइट साइड में सिक्स पॉइंट सेवन सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनेगी तो इसकी इमेज आएगी यहाँ कहीं दिस इज़ वी नाउ मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ मिरर, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है तो यहाँ हम वैल्यू स्पुट करेंगे एम विल बी माइनस वी बाय यू वी इज माइनस सिक्स पॉइंट सेवन सेंटीमीटर डिवाइड बाई यू क्या है हमारा माइनस ट्वेल्व माइनस से माइनस कैंसिल टू से कैंसिल कर लेंगे थ्री पॉइंट थ्री फाइव और ये आ जाएगा थ्री थ्री फाइव डिवाइड बाई सिक्स इंटू हंड्रेड यहाँ से आ गया एम इज फिफ्टी फाइव पॉइंट एट थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड और मैग्नीफिकेशन इज नियरली जीरो पॉइंट फाइव सिक्स तो ये मैग्नीफिकेशन भी आ गई तो अगर हम इस नीडल की इमेज की हाइट कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं अब यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीफिकेशन आइए ज़ीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेंटीमीटर तो हम इसके यूज से हाइट निकाल लेते हैं इमेज की या तो अब एम इक्वल टू एच आई बाई एच ओ का यूज़ कर लो या इन दोनों से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया जीरो पॉइंट फाइव सिक्स और हाइट ऑफ इमेज विल बी जीरो पॉइंट फाइव सिक्स इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज फोर पॉइंट फाइव तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टू पॉइंट फाइव टू सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने पे हमें पता चल रहा है कि साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉल तो इसका ऑब्जेक्ट का मान लो थोड़ा बड़ा साइज ड्रॉ कर लेते हैं ये नीडल है और इसकी इमेज स्मॉल बनेगी हाइट ऑफ इमेज विल बी टू पॉइंट फाइव टू सेंटीमीटर तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया तो इसका रे डायग्राम बनेगा एक रे यहाँ से जाएगी एंड वन रे इज एट पी तो ये ऐसे कुछ बनेगा तो यहाँ पे इमेज बन गई हमारी नाउ सेकेंड पार्ट हमें पूछा है डिस्क्राइब वट हैपन्स एज अ नीडल इज मूव फारदर फ्रॉम मिरर तो अब देखो वो कह रहे हैं कि क्या होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ी और दूर ले जाएं अब देखो कन्वेक्स मिरर में क्या केस होते हैं एफ एंड दो ही केस होते हैं अगर ऑब्जेक्ट होगा फोकस और पोल के बीच में तो इमेज बनेगी राइट साइड ऑफ मिरर। कैसे बनेगी ये उसका रे डायग्राम है राइट साइड बनेगी तो उसके क्या पॉइंट्स होते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट साइज विल बी स्मॉल और डिमिनिस्ड यही हमारा केस था इस क्वेश्चन में नाउ एक दूसरा केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को कहा रखें इन्फिनेटी पे पी एफ और ऑब्जेक्ट है इन्फिनी पे तो रेज आएंगी और इमेज बनेगी फोकस पे बहुत ही स्मॉल साइज इमेज होगी पॉइंट साइज इमेज पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड तो अब इन दो केस के बीच में देखो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम जितनी दूर ले जाएंगे तो साइज उतना ही छोटा होता जाएगा जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनीटी पे पहुंच जाएगा और वो हो जाएगी पॉइंट साइज़ तो इस क्वेश्चन का आंसर यही लिखा है डिस्क्राइब वट हैपन्स नीडल इज मूव फार्दर फ्रॉम मिरर तो मिरर से जितनी दूर ले दूर ले जाएंगे साइज उतना ही छोटा हो जाएगा और फाइनली वो एक पॉइंट साइज़ हो जाएगा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू